हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं पुए। इन्हें गुलगुले भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे इंडियन ट्रेडिशन हैं जिसमें गुलगुले पूजा में यूज किए जाते हैं, जैसे कि अहोई अष्टमी आ रही है। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर अहोई अष्टमी पर पुआ पूजा में यूज किया जाता है। आज हम जो पुआ बनाने वाले हैं उसे हम शुगर से ना बना के गुड़ से बना रहे हैं, क्योंकि गुड़ अपने आप में बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है मीठे का। तो चलिए देखते हैं हमें पुआ बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो। एक कप जैगरी ले रही हूं मैं। आप चाहें तो जैगरी को रिप्लेस कर सकते हैं शुगर से, बट जैगरी जो है वो बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है शुगर का। गुनगुना पानी ऐड कर रहे हैं हम एक कप। एक छोटी सी सिनेमन स्टिक मैं इसमें डाल रही हूँ। सिनेमन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे सोक करने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। सोक करने के बाद हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फेनल सी, चिरौंजी, काजू, बादाम। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आटा ऐड कर देंगे, गेहूं का आटा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रनी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम मिक्स करने के बाद हम बैटर को फिर से 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तेल गरम कर लेते हैं। धीरे धीरे करके हम इसमें पुए को डालना शुरू करते हैं। पलटने के लिए बहुत जल्दी नहीं करनी है हमें, आराम आराम से उसको एक साइड से सिकने देना है, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं आप इसको ऑयल में से निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें।